तो आज है वीकेंड का दिन, तो इस टाइम मैं हूँ। तो आज है वीकेंड का दिन, और वीकेंड के दिन में तो ये देख रहे हैं इस टाइम मैं खा मखा चला चला बढ़ता गया। हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। एक नए ब्लॉग के समय फिर आ गया हूँ आपका अपना एक चैनल, और जो मैं आज का ब्लॉग नैन काफी बेहतर उसमें मानसून के उस पर। तो चलो अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करते आज के लोग, मेरे ब्लॉग में रहिएगा, स्किप करके मत देखना, नहीं तो उसमें कुछ जानकारी आप छोड़ देंगे। तो चलिए अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आज है वीकेंड का दिन, और वीकेंड के दिन में देखते हैं कितनी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, और आज मौसम भी अच्छा है, धूप आ रही है, और इस टाइम हूँ फुटपाथ में, तो यहाँ से टूरिस्ट की संख्या बढ़ जाती है और हर प्रकार का सामान मिलता है। ये तो मैं रोज ही दिखाता हूँ आपको कि फुटपाथ में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। और इधर थोड़ा सा मैं निकल के आया हूँ डीएसए फील्ड की तरफ, तो थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको वेदर दिखा देता हूँ। सामने देख रहे हैं नगर पालिका डीएसए का ऑफिस, जामा मस्जिद, और कुछ इस तरीके से बना हुआ है बादल, यहाँ पे नीला आसमान, और यह है फुटपाथ का एरिया। तो आज टूरिस्ट जो हैं आ रहे हैं क्योंकि आज वीकेंड है, कल संडे, और दो दिन की छुट्टियाँ हो गई हैं, और कल भी छुट्टी थी बुद्ध पूर्णिमा की, तीन दिन की छुट्टी। तो कल शाम को काफ़ी टूरिस्ट आए हैं और आज भी आए हुए हैं। तो इन दिनों में तो टूरिस्ट काफ़ी नैनीताल में आता है, क्योंकि आपको पता ही है कि प्लेन्स में गर्मी है, नैनीताल में ठंडा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इस टाइम मैं हूँ बोर्ड हाउस क्लब के इधर माल रोड की तरफ, और यहाँ से थोड़ा सा व्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं, और जहाँ पे मेरा कैमरा है इधर तो बोर्ड हाउस क्लब है। कल इसका मैंने व्लॉग अब तक पहुँचाया है, और यार्ड बोट्स जो हवा के उससे चलती हैं, उधर बैंड हाउस जो भी, और ये चल रही है इस टाइम नाउ वीकेंड की उस पर। तो ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से चल रही है नाव, चप्पू वाली नाव है ये, चप्पू वाली बतख वाली पैडी बोट उधर हैं, और अब तो सीज़न आ रहा है, तो सीज़न में तो पैडी वाली बोट काफ़ी कम मिलती है चलाने को, क्योंकि सारी बुक हो जाती हैं। तो देख रहे हैं कुछ इस तरीके से आज बोर्ड से चलते हुए, और पानी का लेवल आप देख सकते हैं कि कहाँ पहुँच गया है ये, और यहाँ पे मछलियाँ भी नहीं दिख रही इधर, तो इधर तो शायद कम मछलियाँ हैं फिलहाल, कुछ ऐसा है पानी, और ये देख सकते हैं कुछ। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम पहुँच गया बोर्ड हाउस क्लब के बगल में, और फुटपाथ के बोर्ड स्टैंड के पास, तो यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है देख, और काफ़ी बोर्ड साथ चल रही हैं, तो कुछ ऐसा है, और यहाँ पे ये बोर्ड्स बनते हुए। कमर में हाथ डालो, तो ये देख सकता हूँ। तो इस तरीके से लोग बोटिंग कर रहे हैं, और यह फुटपाथ, तो ये देख सकते हैं सामने आप,
और यहाँ से तल्ली ताल से मल्ली ताल से लेकर तल्ली ताल तक काफ़ी हर तरफ बोटी बोर्ड है पूरी लेक में। ये देख सकते हैं आज है वीकेंड का दिन और वीकेंड के दिन में इस टाइम फुटपाथ में तो काफ़ी टूरिस्टों की संख्या बढ़ी है और आप देख सकते हैं सामने ही फुटपाथ है ये और काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पे आया है। तो सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट से पता लगता है तो यहीं से पता लगता है कि हाँ नैनीताल में काफ़ी पर्यटक है और यहाँ से मालरोड की शुरुआत होती है अपर मालरोड लोअर मालरोड और मौसम बड़ा साफ क्लियर। आज तो बारिश हुई नहीं है, वैसे कल इस टाइम बारिश हो गई थी तो अब खैर नैनीताल में बारिश नहीं है और कहीं भी बारिश नहीं होगी शायद अब। और वेदर में जो है गर्माहट है और काफ़ी भीड़ भाड़ है आज, तो ये देख सकते हो। तो ये देख सकते हो और ये हमारा जाला है जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है हम कालाडूंगी मार्ग दिल्ली केव गार्डन लवर्स पॉइंट सुसाइड पॉइंट हिमालय दर्शन पॉइंट पंगूट सारी यही रोड जाता है और यहीं पर हमारा मल्लीताल स्टेशन भी ई रिक्शा चलते हुए तो कुछ ऐसे ही ये देख सकते हो। तो सामने फुटपाथ तो आप भी नैनीताल आ सकते हैं, घूम सकते हैं और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ से खूबसूरती नैनीताल की। क्योंकि मैं उस दिन गया था भीमताल नौकुचीदास सातताल तो वहाँ पे भीड़ नहीं थी, जब नैनीताल आया तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। और पहले जो टूरिस्ट है वो नैनीताल आता है फिर घूमता है नैनीताल सातताल नौकुचीदास। तो ये देख सकते हैं सामने फुटपाथ ये, तो ये देख रहे हैं इस टाइम ये है मल्लीताल का रजिस्टर स्टेशन और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है। तो इस टाइम मैं जा रहा हूँ घर को और ये है स्टेट बैंक के पास पहुँच गया हूँ मैं। तो नैनीताल में जो ट्रैफिक व्यवस्था वो ऐसी है देख सकता हूँ। फाइनली यहाँ पे जो है मैंने अपना ब्लॉग कंप्लीट कर लिया। आज का लोगों को पसंद आया तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल जिसान अली नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नैनीताल की अपडेट टूडे रोज़ हम मैं दे रहा हूँ तो उम्मीद करूँगा कि आपको अपडेट पाकर खुशी हो, मतलब आप नैनीताल आने में इजली हो आसानी हो। तो मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।